नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। फिर से हम बात करेंगे कैसे हमारा सेमी एल्गो ट्रेडिंग काम करता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए पोजीशंस हम देखेंगे। डेली कैंडल चार्ट में क्लियरली समझ में आ रहा है प्राइस राइजिंग वेज। ये जो राइजिंग वेज ड्रॉ हुआ है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू बना है और लास्ट हमारा जो सेल दिया था लगभग 18,300, तब तक से डेली कैंडल चार्ट में सेल ही चल रहा है, अभी तक बाय सिग्नल नहीं दिया है। मतलब मार्केट में ये जो रिवर्स हुआ है हो सकता है थोड़े देर के लिए ऊपर जाए और फिर से नीचे आ सके। जब तक बाय नहीं देता डेली कैंडल चार्ट में तो हम पोजिशनली बाय नहीं कर सकते या फिर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है वो नहीं बोल सकते। आवरली कैंडल चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो प्राइस ऐसे एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर बन रहा है। तो जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें मिलता है तो हम बाय करेंगे। तो हम लास्ट ट्रेडिंग डे में बाय किए थे, कुछ देर के बाद प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा रैली मिला। तो कल देखेंगे अगर कुछ अच्छा सिग्नल देता है तो फिर पॉजिटिव ट्रेंड के साइड में हम जा सकते हैं, 18,000 का लेवल तक जा सकता है। हो सकता है बीच में थोड़ा रिट्रेस हो या साइडवेज मिले, लेकिन कंटिन्यू अगर करेगा 18,000 तक उसके बाद रिवर्स कर सकता है। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक पेनेट पैटर्न बन रहा था, उसको ब्रेक किया है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया है। हमारा 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो प्राइस यहाँ पर हो सकता है तो थोड़ा हल्का सा रिट्रेस हो लगभग 17,490 तक, उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। या फिर अगर कंटिन्यूसली ऊपर गया तो ये सारे ऑटोमेटेड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता है हमारा सॉफ्टवेयर। ये बता रहा है लगभग 17,720-30 के आसपास एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 17,890 और उसके बाद 18,100 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो प्राइस जब जब भी इस जगह पे टकराएगा हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस हो, उसके बाद ऊपर जाए। प्राइस जब कभी भी ऊपर जाता है तो हल्का हल्का सा रिट्रेस होता है, तो ये लेवल्स में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और नीचे आने पर फिर से पोजीशन बना सकते हो। बैंक निफ्टी का हाल देखेंगे, डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी देखें, हमारा सॉफ्टवेयर बता रहा है कि ऑलरेडी राइजिंग वेज को तोड़ा है। तो लास्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है डेली कैंडल चार्ट में सेल दिया था January 23 को, तब से सेल में ही चल रहा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से तोड़ा है, रिट्रेस हुआ है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और यहाँ पे ये लेवल 42,030 तक का रेजिस्टेंस है। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे भी रुका है। नीचे के साइड में अगर देखें तो प्राइस सपोर्ट 39,683, जो पहले बार भी जाके सपोर्ट लेके आया था। तो जब तक ये हाई और ये लो नहीं तोड़ देता तब तक हम ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह सकते। फिर भी अगर राइजिंग वेज तोड़ा है तो हम नीचे के साइड में ही इसको हम देखेंगे जब तक पॉजिटिव में ये हाई नहीं तोड़ता। आवरली कैंडल चार्ट में ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सिमेट्रिक ट्रायंगल या फिर आप बोल सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप का कैंडल बन रहा है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल मेंटेन कर रहा है। हमारा प्रेडिक्शन यहाँ पर भी ये है, अगर यहाँ पे सेल सिग्नल देता है तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। मार्केट बहुत ही अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर पैटर्न नहीं बना है, दोनों साइड में एक वाइडर बना है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न बनना और बाकी है, तो यहाँ पे साइडवेज कुछ रहेगा मार्केट 15 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में भी पैटर्न सही से नहीं बना है। तो हम आवरली चार्ट के हिसाब से हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ा है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के वापस जा रहा है तो पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन मैं आशा करूँगा कि यहाँ से रिटर्न हो तो हम पुट साइड में फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं। फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बहुत लोग फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो डेली कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी बहुत जल्दी हमारा सेल दे चुका था। तो आप अगर देखोगे सेल सिग्नल जनवरी 23 से ही चल रहा है, ये बैंक निफ्टी की तरह ही पैटर्न बनाया हुआ है। आवरली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये भी एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है, तो इसमें तो बाय मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हो सकता है यहाँ पे 18,500 के लेवल में जाके ये वापस फिर से गिरना शुरू हो जाए, तो सेलिंग साइड में मिले तो मौका छोड़िएगा मत। उसी तरह अगर 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 18,450 में। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होकर प्राइस नीचे आ रहा है तो मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, लेकिन 15 मिनट चार्ट में अभी तक ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से बना नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में अगर प्राइस यहाँ से रिटर्न हो जाता है तो ये वाला ट्रेंड लाइन बनने का चांसेस है और इस बीच में ट्रेंड लाइन अप डाउन प्राइस हो सकता है।
तो ये था हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपके फिन निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू आने वाले कल के लिए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? आने वाले कौन से स्टॉक्स में आपको हमारे इस टेक्निकल चार्ट में ऐसे ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन ड्रॉयर और बाय सेल सिग्नल चाहिए तो आप बता सकते हो। आपको अगर ये आपके कंप्यूटर में चाहिए तो हम इसको इस सॉफ्टवेयर आपके ट्रेडिंग व्यू में भी प्लॉट कर सकते हैं। ये सारे उसके साथ चैप्टर आएंगे, सेमी एल्गो कैसे यूज़ होता है, ट्रेंड्स क्या क्या हैं, कैसे इसको कहाँ पे इसको बाय और सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक्ड सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा ये सारे कोर्सेस। तो ये कोर्स आपको आएगा 795 इंक्लूडेड GST, इसमें आपको ये एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।